गिल्ड मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। और आज पर्टिकुलर हम लोग बात करने जा रहे हैं टारगेट एनटीपीसी। रेलवे के अंदर जो हमें मौका मिला है तो ये मैं कह सकता हूं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप सब जानते हैं यानी रेलवे में बहुत बड़े स्तर की वैकेंसीज आई हुई हैं। इससे पहले ग्रुप डी की बात थी, एएलपी में थी, अब यानी ग्रुप डी है और एनटीपीसी है। आरपीएफ में वैकेंसीज आ चुकी हैं, चाहे आरपीएफ के अंदर कांस्टेबल की बात है चाहे सब इंस्पेक्टर की बात है। इसके बाद में आप ये सोच सकते हैं अच्छे तरीके से कि मुझे नहीं लगता कि 5 या 4 साल पहले कोई वैकेंसीज आने वाली है। तो गाइस रेलवे के अंदर ये बार बार मौका नहीं मिलेगा, वो बहुत ही अच्छे स्तर की वैकेंसीज हैं। और पेपर की बात करें तो कैसे आपने पेपर क्रैक करना है, क्या आपको ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, क्या आपको किसी कोचिंग से पढ़ना चाहिए, क्या कौन सी बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस बुक पे ज्यादा फोकस करें, कहां से आपको पढ़ना चाहिए, लोगों के कहने की बात क्या है, एक्चुअल में स्थिति क्या है, क्या हमें यूट्यूब का सहारा लेना चाहिए, ऑनलाइन अगर हम तैयारी करें तो कहां से करें, यानी प्रॉपर प्रोसेस बताऊंगा मैं आप सबको। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि बहुत ही सॉलिड और कम टाइम के अंदर एक पढ़ने का तरीका बताऊंगा जिससे कि आपको बहुत हेल्प होगी इस एग्जाम में पेपर क्रैक करने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फेसबुक या फ्रेंड, व्हाट्सएप या फ्रेंड के जरिए आप में से हजारों स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, लेकिन वहां पर हर तरीके का मटेरियल आपके पास अवेलेबल होता है। स्टूडेंट्स आज के समय के अंदर हमारी स्थिति ये हो चुकी है कि जैसे कि हमें कोई लीडर अगर रैली के अंदर कहता है कि आज मेरी यहां से मेरा मार्च निकलना है तो मेरे मार्च में शामिल हो जाइए, आज मेरे साथ आइए, तो हम लोग मोटरसाइकिल के ऊपर झंडियां लगाकर जैसे घूमते हैं, इसी प्रकार से हम लोग अगर किसी भी ग्रुप को देखते हैं, हाँ भाई इसने बंदे ने ग्रुप का नाम एनटीपीसी रख लिया है, जुड़ जाओ। क्या आपने ये सोचा है कि जिस बंदे ने ग्रुप बनाया है कि वो क्या है, क्या क्या उसको वो एनटीपीसी के बारे में जानता है कि नहीं जानता, जहां से आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब के बारे में क्या आप लोग अपना टाइम बिल्कुल सही यहां पर यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आपके सामने आज बिल्कुल स्पष्ट रखूंगा। और मैं आपको कभी भी ये नहीं कहता कि आप गिल्ड मेंटोर के साथ जुड़े रहिए, मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूं जहां से आपको अच्छा लगता है वहां जुड़िएगा, राइट। मेरा काम यहां पर एज ए, अगर एसएससी को मैंने 4 बार क्रैक किया है तो मैं भी इस स्थितियों से निकल चुका हूं और मैं मेरा एक्सपीरियंस ही आपके सामने रखूंगा कि आज के समय के अंदर अपॉर्चुनिटीज और आपका पोटेंशियल कहां आपको दिखाना है, किस तरह से आपको मौके को अच्छे तरह से पकड़ना है। तो गाइज अगर आप चाहते हैं कि गिल्ड मेंटोर इसी प्रकार से आप तक जानकारी देता रहे, बल्कि आपको पढ़ाने का काम ही नहीं बल्कि आपको व्यवहारिक और आगे बढ़ने के तरीके, प्रोसीजर और प्लानिंग आपको देता रहे, तो इसके लिए आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप पंजाब के सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए गिल्ड मेंटोर के चैनल से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। हम लोग आपको पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट के लिए टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है, डेली करंट अफेयर से हम लोग करवाते हैं। तो आप लोग इसी प्रकार गिल्ड मेंटोर के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको आने वाले पेपर में बहुत हेल्प मिलने वाली है। सबसे पहले आज जो हमारी स्ट्रेटजी और प्लानिंग फॉर द एनटीपीसी है, मैं आपको बताऊंगा कि आपकी बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए और इसके साथ में पोटेंशियल भी आपका बहुत जरूरी है, राइट। यानी हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिलेक्शन होते होते रह जाते हैं, कहां कमी है ये हम बेहतर जानते हैं, सिर्फ मैं आपको सही प्रोसीजर और सही तरीका बताने की कोशिश करूंगा। आपको ये भी ध्यान नहीं है कि आपके सामने जो डेटा आ रहे हैं, चाहे वो आरआरबी चंडीगढ़ की है, लोग कह रहे हैं कि यहां पर जैसे कि 8 लाख, मैं कह दूं कि 10 लाख वैकेंसियां भरी जा रही हैं, चाहे यहां पर मैं कह दूं कि 20 लाख फॉर्म क्यों नहीं भरे गए। आपको कितनी पोस्ट चाहिए, यू नीड ओनली वन पोस्ट। आप एक पोस्ट के लिए सोचें, बस आपको एक के लिए सोचना है, आपको 20 लाख के लिए नहीं सोचना, राइट। अगर आप ये सोचेंगे, अगर ऐसा कोई हर बंदा सोचेगा तो फिर यूपीएससी पेपर क्रैक कोई नहीं कर पाएगा। यूपीएससी जो पेपर क्रैक करता है, एसएससी एक साइज का पेपर क्रैक करता है, इनकम टैक्स का पेपर क्रैक करता है, ऑडिट इंस्पेक्टर का पेपर क्रैक करता है, चाहे मैं पीपीएससी की बात करूं तो सिर्फ उस कैंडिडेट का विजन होता है ओनली फॉर मी, ठीक है, मेरे लिए। अगर मैं कैंडिडेट हूं या खुद की पोस्ट है तो खुद के लिए बस काम करिएगा। अब आपको करना है कि हाउ टू गेट गुड स्कोर। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब स्कोर अच्छा करने के लिए हमारे पास स्ट्रेटजी होनी जरूरी है। अब स्ट्रेटजी क्या कैसी होनी जरूरी है, आपने देखा होगा कि आज अगर मैं प्राइवेट कंपनीज की बात करूं, वो क्यों अपने आप को इतना राइज कर जाती है कुछ ही समय के अंदर, क्योंकि उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके पास हर समय एक स्ट्रेटजी होती है, एक प्लानिंग होती है। दूसरी बात, आप में से ऐसे बहुत बार देखा होगा, हर किसी बच्चे ने आपका पड़ोसी या आपका फेसबुक या व्हाट्सएप या फ्रेंड होगा, तो उनमें से भी ऐसे बहुत सारे होते हैं कि जो लड़के अपने काम पर ध्यान देते हुए
यानी साल के अंदर पहले जैसे ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ, इसी बीच में वो एनटीपीसी में भी सिलेक्शन करवा गया, हम सोचते हैं यार हमारा तो ग्रुप डी भी नहीं क्रैक हुआ, उसका कैसे हो गया। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं कहूंगा कि उसकी अप्रोच बिल्कुल सही थी, उसका निशाना था वो बिल्कुल सही था, हमारा क्यों नहीं है। तो ये सवाल है, तो मैं इन्हीं पे आपको सबको लेके चलूंगा। सबसे पहले मैं जैसे आपको बता दूं कि मेक योर ओन टारगेट, अपना खुद का टारगेट बनाइए। टारगेट का मतलब कि आपने ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट भरी है और एनटीपीसी की पोस्ट भरी है। अगर आपने एनटीपीसी भरी है तो यहां पर सबसे पहले आपके पास टारगेट ये है, नॉट टारगेट टाइपिंग, टारगेट यहां पर आपके पास क्या है, रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम के दौर से आपको गुजरना पड़ेगा और आप सबको पता है कि इंडिया लेवल की वैकेंसीज है ये, ठीक है, ओवरऑल इंडिया में है और यहां पर बहुत सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं। इस भर्ती में चाहे किसी ने, मैं कह दूं कि एमफिल का स्टूडेंट होगा उसने भी फॉर्म भरा होगा। नौकरी किसको नहीं चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की, सबको चाहिए, लेकिन हमारी अप्रोच क्या काम करेगी, यही पे मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे टारगेट बना सकते हैं। खुद का टारगेट यहां पर यह बात कंसीडर करती है कि आप अपने आप को बेहतर जानते हैं कि आपको क्या करना है। सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए, सोचने का मतलब है कि जो आप इधर उधर की बातें सोच रहे हैं, सबसे पहले कम से कम आपको हर दिन 5 से 6 घंटे स्टडी करनी है। अगर आप किसी प्राइवेट जॉब करते हैं कहीं पर भी, तो आपको शाम के समय पर, ऐसा नहीं कि जॉब का टाइम मैं कह सकता हूं 9 बजे से लेकर 5 बजे हो सकता है, आप जैसे घर पर आते हैं तो 8 बजे से लेकर कम से कम 12 बजे तक आप स्टडी जरूर करें, ये जरूरी काम है। अब आपको स्टडी कैसे करनी है उस पर भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं, राइट, हाउ टू डू स्टडी, हम लोग स्टडी कैसे करें। कंडीशन खड़ी होती है, क्या हम मॉक टेस्ट ले लें, क्या हम ऑफलाइन प्रैक्टिस करें, क्या हम ऑनलाइन प्रैक्टिस करें, क्या हम करंट अफेयर पे फोकस करें। सब बातों की एक बात, सबसे पहले खुद की प्रैक्टिस करिए, ठीक है, खुद की प्रैक्टिस करिए। अगर आपने खुद के कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो आपके सामने चाहे मॉक टेस्ट है, चाहे ऑफलाइन है, चाहे ऑनलाइन है, चाहे आपके सामने कोई कैसा भी पीडीएफ क्यों नहीं आता, आप बहुत आसानी से आ जाएंगे। मैं आप सबको, जितने भी मेरे आज इस व्यूअर देख रहे हैं, मुझे पर्टिकुलर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आप सबको मैं एक सही राय दूंगा कि आप YouTube पे धक्के मत खाइए। YouTube पे धक्के खाने का मतलब यह है, आप में से ऐसे जब आप क्लिक करोगे ना, तो आप जिस वीडियो को देख रहे हैं उसके नीचे 35 से 36 वीडियो खुल जाएंगे। आपने ये देखा है कि जब भी किसी लाइव सेशन को, या तो आप उस लाइव सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, लाइव सेशन की 40 से 45 मिनट की क्लास होती है, लेकिन उसमें सिर्फ काम की बात 10 मिनट की होती है। आप सब लोग इसको एनालिसिस करिए, और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें जय मैं क्यों नहीं, मैं लाइव पढ़ा रहा हूं तो मैं एक साइड में मैंने क्वेश्चन दे दिया, जैसे मैंने दे दिया कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, मैं साइड में कमेंट्स पढ़ूंगा, यस गाइज बताइए प्लीज कमेंट में क्या है, यस इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है। तो आपने कभी सोचा है कि इस बात में कितना टाइम हमारा वेस्टेज होता है, बहुत ज्यादा। तो आप में से फिर स्टूडेंट इस बात से परेशान होकर वो क्या मांगते हैं, पीडीएफ, बस पीडीएफ दे दीजिए हमें। लाइव पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि अपना टाइम वेस्ट करें, लाइव आपको खुद जज करना है। मैं ये नहीं कहता कि पर्टिकुलर यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, वो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, मेरा मतलब यह है कि आप इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि आपके पास टाइम बहुत कम है। मैं आपको ये कहूंगा पढ़ना बहुत लेवल का पड़ेगा, कंपटीशन ओवरऑल इंडिया में हो रहा है, कोई ये मैं पर्टिकुलर किसी स्टेट की बात नहीं करूंगा कि वहां आपके कंपटीशन को फाइट करना होगा, ठीक है। तो आपने उस वीडियो को देखना है जिसके अंदर टीचर आपको अपनी शक्ल ना दिखाते हुए पढ़े और सिर्फ आपको काम की बात पढ़ाए। मैं तो आपको ये कहूंगा, मैं अगर पर्टिकुलर इस पेपर को देने वाला हूं तो मैं यही जज करूंगा कि सिर्फ, अगर मान लीजिए कोई टीचर 40 मिनट में पढ़ा रहा है, 40 मिनट का वीडियो, खुद की शक्ल नहीं दिखा रहा, आपको सिर्फ काम की चीज बता रहा है, तो उस पर ज्यादा फोकस करिएगा, मैं तो आपको ये चीज कहूंगा। और पढ़ने का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर जैसे 4 ऑप्शन है, जैसे पीडीएफ में पढ़ेंगे आप, भी आपने डिमांड कर दी पीडीएफ चाहिए हमें, तो पीडीएफ में क्या होता है ना, जो 4 ऑप्शन होते हैं जैसे कि ए बी सी डी, और इसका तो आंसर दिया होगा भाई, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, जो लाइव पढ़ाएगा वो इन चारों के बारे में आपको जरूर एनालिसिस करके देगा, राइट। तो इसलिए आपके लिए ये वीडियोस देखने क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन वीडियोस वो देखें जिसमें कि कुछ टीचर्स बच्चों के कमेंट्स को ना देखता हुआ सिर्फ आपको टू द पॉइंट पढ़ा रहा है, जो चीज आपके काम की है, राइट। मैं आपको ये चीज कहूंगा नंबर वन। टू की बात करते हैं, खुद की तैयारी करिएगा, खुद कैसे कैसे तैयारी करनी है। एक एग्जाम के अंदर बैठेंगे तो कैंडिडेट होता है ना, एक वो कंपिटिटर होता है, तो ठीक है, आपने किसी से कोई रिलेशन नहीं रखना, रिलेशन का मतलब यहां पर सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ना है। आपको ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करनी है, आपको ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करनी है, आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, ये सब आपको काम करना होगा। डेली आपको साइंस के एमसीक्यू पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि साइंस का हमेशा यहां पर वेटेज 40 क्वेश्चन है, तो 40 क्वेश्चन के अंदर मैं कह सकता हूं कि 15 क्वेश्चन आप डेफिनेटली साइंस के देखेंगे। इसमें स्टैटिक्स के भी आएंगे,
ठीक है, तो मैं आपको यही राय दूंगा कि किसी एक चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, आप जो मर्जी ज्वाइन करें, लेकिन किसी पर्टिकुलर एक चैनल को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। अगर आप सही रास्ते पर चलेंगे, मेरा काम यहां पर यह होगा कि मैं मेरे यहां पर किसी भी, मैं आपको कह दूं कि मैं मेरे किसी गर्ज के लिए, किसी सेल्फ काम के लिए मैं आपको कह दूं कि भैया गिल्ज मेंटोर पसंद कर लीजिए। गिल्ज मेंटोर से आपको लगता है कि बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है तो दैट्स वेलकम, अदरवाइज आपको जहां कुछ अच्छा मिलता है वहां पढ़िएगा, लेकिन किसी एक चैनल को फॉलो करें जहां पर आपका टाइम वेस्टेज नहीं हो, टाइम को बचाइएगा। अब बात आती है कि हाउ टू डू, हम कैसे करेंगे। अब हमें टारगेट बनाना है। आपको मालूम है कि 1 अप्रैल से अगर आप पढ़ेंगे, 1 अप्रैल के बाद में आपके पास जैसे कि 30 डेज हो गए, फिर आपके पास मई के 31 डेज हो गए, चलिए आप ये छोड़िए, मैं यूं कहूंगा कि 30 डेज लगा लीजिए, 60 डेज, ठीक है। जून के अंदर फाइनली आप अपने आपका एक सिलेक्शन का दावेदार समझिएगा, कैसे करना है। रीजनिंग का टारगेट सिर्फ 20 डेज का होना चाहिए, ये 20 डेज के अंदर आपको कंप्लीट करनी है, चाहे आज लग जाए चाहे कल लग जाए। अगर आप लोग फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो, अगर आप लोग पहले के कैंडिडेट हैं तो मैं आपको तो भी एडवाइस करूंगा, एक बार सभी आप टॉपिक्स को निकालना पड़ेगा आपको, आंखों से सारे टॉपिक्स को आंखों से निकालकर और इस बुक को एकदम बंद करके रख दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में ये बुक और बुक के कॉन्सेप्ट्स घूमने चाहिए। इसके बाद में करंट अफेयर में ओनली 15 डेज लगाने हैं। 15 डेज का मतलब ये हो गया कि लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर पढ़नी होगी आपको, नवंबर से लेकर आज तक की करंट अफेयर है इसको बिल्कुल खत्म कर दीजिए अच्छे तरीके से कम आपको यहां पर 3000 से ज्यादा एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, हिंदी में या इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो इंग्लिश में पढ़िएगा, हिंदी वाले तो हिंदी वाले पढ़िएगा। गिल्ज मेंटोर आपको करंट अफेयर्स डेली प्रोवाइड करवाता है, आपको बिल्कुल आप हमारी वेबसाइट पर जाके फ्री में स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा टॉपिक होगा स्टैटिक्स जीके का, स्टैटिक्स जीके के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, जैसे कि पॉलिटी का जीके आ गया, ठीक है, ज्योग्राफी का आ गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आपको आ गए, चाहे हिस्ट्री के लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएं, ठीक है। ये सब लोग आप लोग कैसे करेंगे, पर दिन के अंदर 300 से 400 एमसीक्यू पढ़ने पड़ेंगे भैया, 300 से 400 एमसीक्यू बहुत लेवल के टफ होंगे, टफ का मतलब थोड़ा सा मैनेज करना टफ होगा, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, इस दुनिया में काम कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मुश्किल सबसे काम होता है सोचना। अगर आप फ्री में बहुत कुछ सोच सकते हो किसी के बारे में नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इसका मतलब है आपके लिए ये काम भी बहुत आसान होना चाहिए। ये आपको टिल द एग्जाम डेट तक पढ़ने हैं, टिल द एग्जाम डेट तक आपको डेली पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप इनको अच्छे से रिपीट नहीं करेंगे तब तक। अगर आप में से कोई सोचता है कि मैं सिर्फ मैथ और रीजनिंग लेकर सिलेक्शन निकाल जाऊंगा, तो ये बिल्कुल भी भूल जाइए, शायद तक आप एकदम गलतफहमी में चल रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ग्रुप डी के अंदर भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे थे, मैं कह सकता हूं कि जिनकी ग्रेजुएशन की हुई है ना, उनका पेपर क्रैक नहीं हुआ। तो ये नहीं कि उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल का मतलब नहीं, कहने का मतलब उन्होंने इस पेपर को बहुत ही लाइट समझा था कि हाँ यार पेपर आसान होगा, लेकिन जब जाके देखा तो उनका ये हो गया। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचें कि पेपर आसान होगा, पेपर ग्रेजुएशन लेवल का होगा, पेपर में कंपिटिटर आप सबको पता है बहुत ज्यादा बैठने वाले हैं, तो तैयारी आपको बहुत ही हार्ड लेवल की करनी पड़ेगी। साइंस के क्वेश्चन को हम लोग कैसे कवर करेंगे, साइंस में आपने कोई भी, जैसे कि अगर आप किसी कोचिंग सेंटर से पढ़ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, प्रैक्टिस टेस्ट लगा रहे हैं तो भी अच्छी बात है, आप लोग डेली क्लास करिएगा। इसमें अगर आपको नहीं लगता आप अरियंत की बुक ले सकते हैं, एमसीक्यू बेस की अरियंत का न्यू एडिशन आया है, उसमें से पढ़ सकते हैं, राइट, और ये बहुत अच्छी बुक है, अरियंत की बुक से भी पढ़ सकते हैं, राइट। यहां से आपका जीके आराम से 30 डेज के अंदर सिलेबस कवर हो जाएगा। इसमें आपको बेसिकली 4 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि आपको केमिस्ट्री हो गया, इसमें फिजिक्स हो गया, इसमें जैसे कि बायो हो गया, और इसके अंदर बॉटनी हो गया, राइट। ये टॉपिक्स में से आपको, इसके अलावा साइंस कहीं से भी नहीं पूछी जाती, यहां से साइंस आएगा, बेसिक्स लेवल की साइंस आती है। मैथ्स की बात करते हैं, 60 डेज के अंदर हम टॉपिक अच्छे से कवर कर सकते हैं, किसी भी चैनल के थ्रू भी कर सकते हैं। इसमें कि मैथ्स को पढ़ने का आसान तरीका क्या होता है, मैथ्स में से आप में से वो बच्चे भी होंगे जिन्होंने ग्रुप डी पेपर क्रैक किया है, जिन्होंने एएलपी पेपर क्रैक किया है, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि मैथ्स के टॉपिक के अंदर आपको क्या काम करना है, आपको जैसे भी कोई लाइव सेशन देख रहे हैं उसके अंदर आप लोग क्या सीखिएगा, ट्रिक सीखिएगा, क्योंकि बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो ट्रिक सीखिएगा, ट्रिक के साथ में आप अपने कंसेप्ट को पकड़ते चलिएगा, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, कहते हैं कि प्रैक्टिस इज ए मेक से परफेक्ट, या बेहतर जानते हैं अभ्यास इंसान को इतना परफेक्ट कर देता है कि आपके लिए कोई भी मंजिलें मुश्किल नहीं लगती हैं। तो आपको काम ये करना है कि बेसिक से लेकर हाई लेवल के टॉपिक्स कवर करने हैं। आपने नंबर सिस्टम से पढ़ना है, और आप सबको ध्यान होगा कि यहां पर मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, ठीक है, ये सभी टॉपिक्स आप सबके पेपर में आएंगे, ये मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। टॉपिक्स वन बाय वन कवर करेंगे तभी आपके कवर होंगे, राइट। अगर आपने एक दिन नंबर सिस्टम पढ़ लिया, दूसरे दिन किसी और चैनल से पढ़ लिया, तीसरे दिन किसी कोचिंग सेंटर से पढ़ लिया, चौथे दिन पीडीएफ पढ़ लिया, तो ऐसे नहीं होगा। आपकी जो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए कहूंगा, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। और अंत में आता है
कि ग्रुप डी के जितने भी पेपर्स हैं, ग्रुप डी और प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी के पेपर हैं, वो आपके लिए अंत में काम देंगे, राइट। इन पे जरूर फोकस करना है हमें, इन पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हमें रिपीट करने हैं। एनटीपीसी के कोई नए क्वेश्चन बन के नहीं आएंगे, कोई सीबीएसई की मैं कह दूं कि कोई अमेरिकन कोई इंग्लैंड की बुक से नहीं बनेंगे, ये पिछले ग्रुप डी के पेपर अगर आप पढ़ के जाएंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि यहां से ही आपको बहुत सारे पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फ्रेशर कैंडिडेट को क्या जरूरत है कि अपने सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करिएगा, तभी जाकर आपने ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट लगाने हैं। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपके लिए सब चीजें जीरो है, और जीरो से आदमी हीरो बनता है, ठीक है। और अदर स्टूडेंट हैं तो आपको डेली क्या करना है, डेली आपको मॉक टेस्ट लगाना है। अभी से आप एक डेली मॉक टेस्ट लगाइएगा और उसके अंदर अपना स्कोर बढ़ाइए। जैसे मान लो 40 आ रहे हैं, इसको 50 में कन्वर्ट करिए, 50 को 60 में करिए, 60 को 70 में करिए, 70 को 80 में करिए, 80 को 90 में करिए, और 90 को 100 में कन्वर्ट करिए। तब जाकर आपका माइंड एक अच्छी जगह पर सेटल होगा। मैंने आपको ओवरऑल एक टारगेट दिया है, कंसेप्ट आप सबको पता है। वापस रिपीट कर देता हूं, YouTube पे अपना टाइम वेस्ट वहां करिए जहां पर आपको टीचर शक्ल ना दिखाकर आपको अकल की चीज दे रहा है, नंबर वन। नंबर टू, आप बेहतर जानते हैं कि कौन सा चैनल बेहतर है कौन सा नहीं है। इसके बाद में आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट मैंने जैसे आपको बताया कि 3000 से ज्यादा एमसीक्यू पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको डेली स्टैटिक्स जीके पढ़ना पड़ेगा। स्टैटिक्स जीके के लिए आपको ल्यूसेंट की बुक ले लीजिए, अरियंत की बुक ले लीजिए और किरण की बुक ले लीजिए, ठीक है। ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले ग्रुप डी के अंदर स्पीडी की बुक बहुत सारे पढ़ी थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन आए थे कुछ नहीं आए थे। जरूरी नहीं है कि किसी बुक में से आता है, लेकिन मैं एक तरह कह सकता हूं कि जितने भी इन बुक्स के अंदर क्वेश्चन हैं आप इनको अच्छे से रिपीट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा होगा, और हर क्वेश्चन है वो पेपर के क्वेश्चन से आंसर और आंसर से क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे रीजनिंग की बुक है, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि किरण की बुक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, ऑफलाइन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं कि अगर आपको मैथ्स की बुक की बात करनी है तो मैथ्स के लिए आपको किरण की बुक बहुत अच्छी है। किरण के अलावा जैसे कि राकेश यादव की बुक बहुत अच्छी है, उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे साइंस के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, अरियंत की बुक आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं, किरण साइंस पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, किसी भी पब्लिशर की बुक पढ़ सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट पेपर मिलते हैं तो पेपर भी पढ़ लीजिएगा। और अंत में इंपॉर्टेंट वन ऑफ द बेस्ट थिंग मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो फेसबुक या मैसेंजर बुक या व्हाट्सएप बुक या के फ्रेंड्स हैं, आप उन किसी भी इंस्टीट्यूट के ग्रुप को ज्वाइन करिएगा जो लोग अच्छे से रन कर रहे हैं, एक्सपर्ट लोग रन कर रहे हैं, राइट। जो लोग आपको एकदम मैं कह सकता हूं कि सही लेवल का मटेरियल सेंड कर रहे हैं, न कि ऐसे ऐसे ग्रुप्स बहुत सारे होंगे जहां से आपकी फोन की मेमोरी भरेगी, आपकी खुद की मेमोरी भरेगी, नेगेटिव आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, ठीक है, कुछ नहीं होता। लोगों ने अपने खुद के स्वार्थ के लिए ग्रुप्स बना रखे हैं, अपना टाइम वेस्ट वहां पर मत करिएगा, राइट। लोग वहां पर आपको अलग अलग तरीके के मिलेंगे, लोग कुछ कुछ मटेरियल भेजेगा, कुछ कुछ भेजेगा, आपका दिमाग डाइवर्ट होगा, राइट। मैं आपको यही कहूंगा, अगर आप अच्छे प्लेयर हैं मैं आपके सामने 10 बैट रख दूंगा। बैट कभी भी रन नहीं बनाते, रन आपकी पोटेंशियल, आपकी एक्टिविटी, आपका अप्रोच, आपका मेथड, आपके खेलने की टाइमिंग और आपका जज्बा है ना, आपका हुनर है, वही रन बनाएगा, न कि आपके कोई बैट बना देगा रन। तो मैं यही कहूंगा कि आपके सामने 1000 बुक्स की जरूरत नहीं है, एक बुक को 1000 बार पढ़ लीजिए, सिलेक्शन वो भी निकाल के दे देगी। तो गाइस इस चीजों पे अच्छे से फोकस करिएगा। आई होप अगर आप रियल सीरियस स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आगे देखने के बाद में शेयर जरूर करेंगे, ताकि आपके आप में से हजारों बच्चे हैं वो सही रास्ते पर चलकर अपना सिलेक्शन शोर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं अगर आप इस लेवल पर काम करेंगे तो डेफिनेटली आप मंजिल जरूर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।